वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स राइटिंग एंड कैलकुलेशन इन के टर्टल के टर्टल में हम राइट कैसे कर सकते हैं और कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू यूज़ द प्रिंट एंड द फ़ोन साइज़ कमांड टू राइट टेक्सट एंड नंबर्स ऑन द कैनवस कैनवस पर आप फोन साइज कैसे चेंज कर सकते हो ठीक है उसमें क्या कमांड यूज़ करते हैं प्रिंट में क्या कमांड यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यूज़ द गो कमांड टू पोजिशन द टर्टल एट डिफरेंट प्लेस ऑन द कैनवस ठीक है आप टोटल में कैनवस में गो कमांड का क्या यूज़ होता है ठीक है उसके बारे में आप पढ़ोगे नंबर थ्री यूज़ एंड यूज़ द शो एंड हाइट कमांड शो और हाइट कमांड कैसा कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे उसके बाद है यूज़ द आस्क एंड द मैसेज कमांड टू इंटरेक्ट विद द यूज़र कैसे हम मैसेज सेंड uh, कर सकते हैं यूज़र के साथ ठीक है वो हम पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले है वॉम अप तो वॉम अप में यहाँ पर आपको मेज द कमांड्स इन कॉलम वन एंड विद विध देयर आउटपुट इन कॉलम टू कॉलम वन में आपको कमांड्स दिया गया है ठीक है अलग अलग कमांड दिया गया है और कॉलम बी में आपको उसका आउटपुट दिया गया है ठीक है तो कॉलम वन में सी सी टू फाइव फाइव कॉमा ज़ीरो प्लस कॉमा ज़ीरो ठीक है तो टू फाइव फाइव आप कलर चेंज के लिए यूज़ करते हो ठीक है तो उसमें आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे सॉरी कौन सा आउटपुट आपको आएगा वो हम देखेंगे ठीक है तो इसमें कैनवास में क्या हो रहा है तो इसमें सी सी टू फाइव फाइव जीरो और जीरो दिया गया है तो सी सी मतलब कैनवस कलर ठीक है कैनवस कलर का हम कलर चेंज कर रहे हैं टू फाइव फाइव इज रेड ठीक है तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है रेड में तो ये है सबसे एंड में ई e, ठीक है उसके बाद है बैकवर्ड वन ट्वेंटी बैकवर्ड की तरफ वन ट्वेंटी स्टेप्स आ रहा है ठीक है तो ये है सी ठीक है उसके बाद पी डब्ल्यू टेन फोवर्ड हंड्रेड मतलब पेन का वर्थ जो है टेन इंच हो चुका है और फॉरवर्ड हंड्रेड की तरफ जा रहा है तो यह है डी ठीक है इसके बाद है पी सी पेन कलर टू ट्वेंटी सिक्सटी और जीरो मतलब कि ऑरेंज कलर और फॉरवर्ड हंड्रेड मतलब आगे की तरफ हंड्रेड जा रहा है तो इसका आंसर है ए ठीक है उसके बाद डी आई आर नाइन्टी ठीक है इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया नाइन्टी में तो ये है आंसर बी ठीक है इसको आप मैच करोगे तो हम चैप्टर पे आते हैं इंट्रोडक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न कमांड टू ड्रॉ लाइंस इन वे वेरी थिकनेस इन कलर एंड एट डिफरेंट एंगल्स यूजिंग केटर्टल ठीक है टर्टल यूज़ करके हमने ऐसे ऐसे कमांड्स पढ़े हैं जिसमें कि आप लाइन uh, का जो थिकनेस है चेंज कर सकते हो कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हो और उनको डिफरेंट एंगल में चेंज कर सकते हो इन इज़ दैट द ओनली टास्क कैन वी डू यूजिंग के टर्टल क्या हम वही कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सक पूछा गया है कि के टर्टल के टर्टल में हम वही कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो उसका आंसर है नो इट इज़ नॉट सो ठीक है तो हम इसमें भी और चेंजेस कर सकते हैं वी कैन प्रिंट टैक्स एंड नंबर्स ऑन द कैनवस एंड ऑल्सो डू सिंपल कैलकुलेशन छोटे मोटे कैलकुलेशन और जो हमने टेक्स्ट या नंबर लिखा हुआ है वो हम प्रिंट भी कर सकते हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कमांड दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर ऑन द कैनवस एंड ऑल्सो टू डू सिंपल कैलकुलेशन ठीक है chapter, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि प्रिंट कैसे करना है डिस्प्ले कैसे होगा नंबर्स और टेक्स्ट, ठीक है और कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले है प्रिंट कमांड द प्रिंट कमांड मेक्स द टोटल राइट टैक्सट और नंबर ऑन द कैनवस प्रिंट कमांड के हेल्प से हम नंबर और टैक्सट जो है वो लिख सकते हैं कैनवस पे टू डिस्प्ले एटी सिक्स हॉडिजोंटली ऑन द स्क्रीन वी यूज़ द कमांड फिगर सिक्स पॉइंट वन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे कि हमें एटी सिक्स लिखना है ठीक है और वो भी हॉडिजोंटली स्क्रीन पे ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्रिंट एटी सिक्स ठीक है ये कमांड हम लिखेंगे द प्रिंट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं द टेक्स्ट इज़ टू बी डिस्प्लेड नीट टू बी इंक्लोज इन डबल कॉटा मार्क ठीक है is, uh, तो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हम कमांड देते टाइम डबल कोटा मार्क ठीक है ये है डबल कोटा मार्क ठीक है इसमें हम इंक्लोज करेंगे ठीक है क्लोज करेंगे इनके बीच में हम लिखेंगे टू प्रिंट एट द टेक्सट हे इट्स मी द टोटल वी यूज द कमांड अगर हमें हे इट्स मी द टोटल लिखना होगा तो हम ये कमांड यूज करेंगे जैसे फिगर सिक्स पॉइंट वन में हे इट्स मी द टोटल लिखा हुआ है ठीक है तो उसके लिए हम प्रिंट डबल कॉटा मार्क ठीक है हे इट्स मी द टोटल डबल कोटा मार्क जो है वो क्लोज हो चुका है तो आप ये लिखोगे ये कमांड दोगे तो यहाँ कैनवस पे वही आएगा ठीक है एशोन इन फिगर सिक्स पॉइंट वन एंड सिक्स पॉइंट टू बोथ नंबर्स एंड टेक्स डिस्प्लेड इन अ हॉरिजोंटल डायरेक्शन अब यहाँ पे जो फिगर सिक्स पॉइंट वन और सिक्स पॉइंट टू में है नंबर और जो टेक्स्ट है वो हॉरीजोंटल मतलब कि स्ट्रेट सीधा आया हुआ है ठीक है दोनों में हॉर्जोंटली आया हुआ है टू डिस्प्ले द टैक्सट एंड नंबर एट डिफरेंट एंगल हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं यूज द टर्न राइट टर्न लेफ्ट डायरेक्शन कमांड बिफोर द प्रिंट कमांड प्रिंट करने से पहले हम टर्न राइट टर्न लेफ्ट डायरेक्शन कमांड का यूज करेंगे टू डिस्प्ले द टैक्सट वेलकम मिस्टर टर्टल एट द एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री द फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन वी यूज द कमांड अगर हम वेलकम मिस्टर टर्टल लिखना है हमें ठीक है ये न ये टेक्स्ट लिखना है उससे पहले हमें क्या करना है इसको टर्न राइट या टर्न लेफ्ट या डायरेक्शन 90 डिग्री में करेंगे ठीक है और हम प्रिंट डबल कोटा मार्क वेलकम मिस्टर टोटल डबल कॉटा मार्क क्लोज करेंगे तो हमारा जो है आउटपुट जो है वो ऐसे आएगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे आपको कमांड दिया गया है रीसेट रीसेट मतलब तो जो आपने पहले लिखा था उसको हमने दोबारा से रीसेट किया ठीक है टर्न राइट नाइन्टी डिग्री टर्न राइट नाइन्टी डिग्री में किया प्रिंट करेंगे डबल कोटा मार्क ओपन करेंगे वेलकम मिस्टर टर्टल लिखेंगे और डबल कोटा मार्क को क्लोज कर देंगे तो क्या आएगा आउटपुट जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है नाइन्टी डिग्री एंगल पे राइट की तरफ चेंज हुआ है और जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो इस तरफ से आएगा ठीक है इज अनदर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले नंबर एट द एंगल एट ऑफ एंगी डिग्री ठीक है तो अभी हमने टेक्स्ट किया था अब हम करेंगे नंबर्स को कैसे हम सिक्सटी डिग्री में चेंज करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन स्टार्ट पोजिशन से ठीक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीसेट टर्न लेफ्ट सिक्सटी डिग्री ठीक है टर्न लेफ्ट सिक्सटी डिग्री और प्रिंट नाइन नाइन जीरो नंबर है नाइन नाइन ज़ीरो जो है वो सिक्सटी डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न होके आएगा ठीक है तो जैसे यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाया हुआ है ठीक है ये कमांड आप यूज़ करोगे और आपका आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है ठीक है उसके बाद हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कमांड जो आपने आपने कोई भी नंबर या कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसका हम साइज़ कैसे चेंज करेंगे So liye, font, तो साइज़ चेंज करने के लिए द फ़ोन साइज़ कमांड इज़ यूज टू सेट द साइज ऑफ़ फट ठीक है तो फोन साइज कमांड का हम यूज़ करेंगे दिस साइज़ इज़ देन अप्लाइड टू द टेक्स बीन डिस्प्लेड ऑन द कैनवस द नंबर स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद दाइज कमांड इज़ दाइज ऑफ द फोन इन पिक्सल ठीक है तो जो फोन साइज होगा वो पिक्सल में आएगा ठीक है कितने पिक्सल का आएगा ठीक है वो आप नंबर्स टाइप करोगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए द कमांड फोन साइज फोर्टी विल सेट द द साइज ऑफ टू पिक्सल अगर आपने साइज साइज कमांड जो है font size उसके बाद फोर्टी लिखा हुआ है तो साइज जो है वो साइजी पिक्सल में आएगा नाउ इफ यू प्रिंट एनी टेक्स्ट और नंबर यूजिंग द प्रिंट कमांड इट विल इट साइज विल बी फोर्टी पिक्सल टू प्रिंट हेलो इन वेरिंग फोन साइज वी यूज द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो ठीक है हेलो लिखा हुआ है छोटे साइज़ में बड़े साइज में और बड़े साइज में ठीक है तो आप उसके लिए क्या कमांड यूज़ करोगे रीसेट प्रिंट हेलो ठीक है प्रिंट करेंगे प्रिंट लिखेंगे उसके बाद डबल कोटा मार्क हेलो लिखेंगे डबल कोटा मार्क को क्लोज करेंगे ठीक है उसके बाद फॉरवर्ड हैंड्रेड ठीक है आगे की तरफ उसको हैंड्रेड की तरफ बढ़ाएंगे ठीक है जैसे कि प्रिंट हेलो तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेलो लिखा नॉर्मल साइज में ठीक है उसके बाद उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड किया हंड्रेड स्टेप्स ठीक है उसके बाद हम करेंगे फॉन्ट साइज ट्वेंटी फॉन्ट साइज जो है हमने ट्वेंटी पिक्सल पे चेंज कर दिया ठीक है उसके बाद हम करेंगे प्रिंट हेलो दोबारा से प्रिंट हेलो लिखेंगे ठीक है तो जो साइज़ है वो बड़ा आएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइज़ जो है वो पहले से बड़ा हो चुका है ठीक है उसके बाद है फोवर्ड हंड्रेड फिर उसको आगे की तरफ बढ़ाया ठीक है हंड्रेड स्टेप आगे बढ़ाया फिर फोन साइज़ चेंज किया फ़ोन साइज़ फिफ्टी ठीक है फ़ोन साइज़ हमने यहाँ पे फिफ्टी लिखा उसके बाद प्रिंट हेलो फिर से हम हेलो लिखेंगे तो फ़ोन साइज़ जो है वो बड़ा आएगा ठीक है और वो हंड्रेड स्टेप आगे जा चुका होगा ठीक है और हेलो का साइज़ जो है वो बड़ा आएगा ठीक है तो इस तरह से हम फोन साइज चेंज कर सकते हैं उसके बाद है गो कमांड द गो कमांड इज़ यूज टू मूव द टर्टल टू अ स्पेसिफिक पोजिशन ऑन द कैनवस गो कमांड से हम टर्टल को मूव कर सकते हैं स्पेसिफिक पोजिशन पे ठीक है टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कैनवस वी नीड टू स्पोटिफाई द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्राम द टॉप ऑफ द कैनवस एंड द लेफ्ट एज ऑफ द कैनवस तो इसमें गो कमांड में हम क्या करेंगे अगर हमें हमारा पोजीशन जो है हमें पता है ठीक है कि कहाँ पे लेके जाना है उसका डिस्टेंस और कैनवस का जो टॉप और लेफ्ट साइड है वो कैस कितने डिस्टेंस में आएगा वो हमें पता होना चाहिए ठीक है दिस टू मेक अप द पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट ऑन द कैनवस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है द पॉइंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर हैज़ द position ऑफ वैल्यू ऑफ जीरो कॉमा ठीक है सबसे कॉर्नर में ठीक है कॉर्नर में जो आ, होगा वैल्यू होगा उसका वैल्यू होगा 0 और 0. कॉर्नर में और टॉप साइड में अगर आपको लेके जाना है अपने turtle को तो उसका वैल्यू है ज़ीरो कॉमा ठीक है तो यहाँ पे देखिए ठीक है ज़ीरो और जीरो मतलब जो कैनवस uh, है उसका कॉर्नर और टॉप कॉर्नर ठीक है कॉर्नर ये हो गया कोना ठीक है टॉप हो गया ठीक है और इसका लेफ्ट साइड इसका वैल्यू है जीरो कॉमा जीरो द पॉइंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द कैनवस हैज द पोजिशन वैल्यू ऑफ फोर हंड्रेड कॉमा फोर हंड्रेड इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है सबसे नीचे बॉटम में ठीक है राइट साइड कॉर्नर जो है उसका वैल्यू है 400 हंड्रेड कॉमा फोर हंड्रेड फिगर सिक्स दोजीशन ऑफ वैल्यू ऑफ द द फोर मोर पॉइंट्स ऑन कैनवस ठीक है इस फिगर फिगर में figure 6 .6 में 6.6 आपको और भी कमांड्स दिया गया है ठीक है और भी कमांड्स आपको पोजिशन का वैल्यू जो है वो दिखाया गया है जैसे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है टॉप साइड है कॉर्नर है और उसका राइट right साइड है तो ये इसका वैल्यू हो गया फोर हंड्रेड कॉमा ज़ीरो ठीक है और सबसे बॉटम में लेफ़्ट साइड कॉर्नर हो गया उसका वैल्यू है ज़ीरो कॉमा फोर हंड्रेड ठीक है और बीच में अगर कहीं करना है तो फिफ्टी कॉमा हंड्रेड टू हंड्रेड कॉमा टू हंड्रेड इज सेंटर टू हंड्रेड ट्वेंटी कॉमा फिफ्टी इज यहाँ पे ठीक है तो अलग अलग आप पोजिशन इसका चेंज कर सकते हो इसका वैल्यू डाल के ठीक है वेन वी यूज़ द गो कमांड द नंबर ऑफ स्टेप्स आर काउंटेड फ्राम दॉप लेफ्ट कॉन पोजिशन जीरो कॉमा जीरो टू मूव द टोटल हंड्रेड स्टेप टू द राइट एंड द फिफ्टी स्टेप टू द डाउन ऑफ द कैनवस फ्राम द स्टार्टिंग पोजिशन वी यूज द कमांड अगर हम यहाँ पे आपको बताया गया है कि लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर का वैल्यू है जीरो और जीरो ठीक है तो यहां से अगर हमें टोटल को हंड्रेड स्टेप राइट की तरफ और नीचे की तरफ फिफ्टी स्टेप्स लेके आना है तो हम क्या आ, क्या कमांड यूज करेंगे कमांड इज गो हंड्रेड कॉमा फिफ्टी ठीक है नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड आउटपुट इज शोन इन फिगर सिक्स पॉइंट सेवन ठीक है तो सिक्स पॉइंट सेवन में आपको एग्जाम्पल के साथ और इसमें टेक्स्ट यूज़ किया गया है ठीक है तो रीसेट स्टार्ट में रीसेट उसके बाद प्रिंट आई एम द सेंट, आई एम इन द सेंटर, ठीक है हम लिखेंगे आई एम इन द सेंटर, हमें लिखना होगा आई एम इन द सेंटर, ठीक है तो आप सेंटर में हो तो उसका वैल्यू है आएगा गो ज़ीरो कॉमा ज़ीरो ठीक है सेंटर का वैल्यू है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो उसके बाद है प्रिंट आई एम एट द टॉप लेफ्ट ठीक है अगर जो है आपका जो पोजीशन है वो लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे आएगा तो उसका कमांड होगा गो कॉमा फोर हंड्रेड ठीक है अब आप करोगे प्रिंट नाउ बॉटम लेफ्ट बॉटम लेफ़्ट अगर आपको यहाँ पे ठीक है आपका आपने जहाँ पे लिखा है बॉटम लेफ़्ट में करोगे तो आपका जो कमांड आएगा गो हंड्रेड कॉमा सेवेंटी ठीक है प्रिंट आई एम लॉस्ट अगर आपका जो पोजीशन है वो पता ही नहीं है ठीक है तो आप लिखोगे आई एम लॉस्ट ठीक है तो इसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया है ठीक है उसके बाद है स्प्रिट शो एंड स्प्रिट हाइट कमांड ठीक है वी हैव सीन दैट द टर्टल इज ऑलवेज विजिबल ऑन द स्क्रीन हमें पता है कि टर्टल जो है ये जो टर्टल है वो हमेशा स्क्रीन पे दिखी दिखी दिखता रहता है ठीक है तो आ, अगर आपको इसको शो करना या हाइड करना होगा तो आप क्या करोगे समटाइम्स वी माइट लाइक टू हाइड इट कैन वी हाइड इट द आंसर इज यस ठीक है द स्प्रिट हाइट और एस एच कमांड एंड द स्प्रिट शो और एस एस कमांड कैन बी यूज टू हाइट शो एंड शो द टोटल रिस्पेक्टिवली ठीक है अगर स्प्रिट हाइट करोगे हाइट का मतलब छुपाना ठीक है अगर आप स्प्रिट हाइट करोगे तो टोटल जो है वह छुप जाएगा अगर आप स्प्रिट शो करोगे शो मतलब दिखाना ठीक है तो स्प्रिट शो करोगे तो आपका जो टोटल है वो दिखेगा ठीक है यू शुड नो अ टर्टल इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिट ठीक है टर्टल को आप स्प्रेड भी कहते हो कंसिडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट्स आउटपुट शोन इन फिगर सिक्स पॉइंट एट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है ठीक है सिक्स पॉइंट एट में तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट रीसेट सबसे पहले उसके बाद एस एच एस एच मतलब स्प्राइट शो सॉरी स्प्राइट हाइट ठीक है हाइट करेंगे तो आपका जो टोटल है वो नहीं दिखेगा ठीक है फॉरवर्ड हंड्रेड ठीक है फोरवर्ड हंड्रेड की तरफ चला गया ठीक है यहाँ पे स्प्राइट जो है वो हाइड हो चुका है ताकि आपको टर्टल जो है वो नहीं दिख रहा है ठीक है उसने फिर उसके बाद किया फोवर्ड हंड्रेड फोरवर्ड स्टेप फोरवर्ड किया हैंड्रेड स्टेप ठीक है उसके बाद आपने कमांड किया एस एच एस एस ठीक है एस एस मतलब स्प्राइट शो ठीक है स्प्राइट को शो करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्प्राइट जो है वो विजिबल हो गया ठीक है दोबारा से आप देख सकते हो ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप करोगे चेक योर अंडरस्टैंडिंग चेक योर अंडरस्टैंडिंग में आपको यहाँ पे आ, कुछ टास्क दिया गया है ठीक है उस टास्क के लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे वो आपको बताना है ठीक है तो सबसे पहले टास्क दिया है प्रिंट योर नेम अगर आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो आप क्या कमांड यूज़ करोगे तो उसके लिए आप करोगे प्रिंट डबल कोटा मार्क ओपन करोगे ठीक है अपना नाम लिखोगे और उसके बाद डबल कोटा मार्क को क्लोज करोगे ठीक है नंबर टू मेक द टर्टल विजिबल अगर आपको टर्टल विजिबल करना है तो आप क्या कमांड यूज करोगे एस एस कमांड ठीक है स्प्राइट शो कमांड ठीक है उसके बाद है नंबर थ्री पोजिशन द टर्टल एट द सेंटर ऑफ द कैनवस अगर आपको टर्टल जो है वो सेंटर ऑफ द कैनवस में चाहिए तो आप क्या करोगे गो टू हंड्रेड कॉमा टू हंड्रेड ठीक है उसके बाद है इंक्रीज द फोन साइज ऑफ़ द डिस्प्ले टेक्स्ट टू एटी ठीक है अगर आपको आपने जो भी टाइप किया है उसका फ़ोन साइज़ जो है वो बड़ा करना है एट्टी पिक्सल में करना है तो आप क्या करोगे तो आप कमांड यूज़ करोगे फोन साइज एट्टी ठीक है तो बच्चों यहाँ तक हमने अपना जो चैप्टर है उसका हाफ पार्ट कर चु कर चुके हैं ठीक है थीके? इसके बाद हम कैलकुलेशन इनके टोटल करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच